नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फोर साइड फोर मिनट। गोलीकांड में जख्मी गोविंदा अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, हाथ जोड़कर फैंस को कहा शुक्रिया। तिरुपति लड्डू मामले पर बोला एससी, ये आस्था का सवाल, स्वतंत्र एसआईटी करेगी जांच। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के घर पर देसी बम फेंके गए, कई राउंड फायरिंग, सीआईएसएफ जवान चोटिल। दिल्ली ड्रग सिंडिकेट में कांग्रेस नेता का नाम आने के बाद अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 5600 करोड़ की ड्रग्स खेप में कांग्रेस की संलिप्तता शर्मनाक। जसप्रीत बुमराह से कांप रही टीमें, आईसीसी रैंकिंग में भी धमाल, इस साल दूसरी बार बने नंबर वन। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने मुसलमानों से की एकजुट रहने की अपील। अमेठी दलित हत्याकांड पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा योगी सरकार जब एक्शन ले तो रोना मत। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर पीएम मोदी की सीसीएस के साथ बैठक, संभावित खतरों पर मंथन। किम जोंग की साउथ कोरिया को धमकी, कहा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके हमेशा के लिए दुनिया से नष्ट कर देंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि ईरान मंगलवार के मिसाइल हमले के लिए उसको भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के वाशिम जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी करेंगे। कोलकाता रेप केस, आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी पर सीबीआई ने कसा शिकंजा, टीएमसी नेता आशीष पांडे गिरफ्तार। बिहार के 18 जिलों में बाढ़ से तबाही, कोसी और गंडक ने मचाया कोहराम, 5 की मौत। अरविंद केजरीवाल नए घर में हुए शिफ्ट, इस पर स्वाति मालीवाल ने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। अब मल्लिका शेरावत ने बॉलीवुड के काले सच से उठाया पर्दा, उनकी ऑन स्क्रीन इमेज को लेकर उनसे कॉम्प्रोमाइज करने को भी कहा गया था। फोर साइड्स फोर मिनट्स में इतना ही, देखते रहिए फोर साइड्स टीवी।